सो हेलो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ। सो हमारे यहाँ पे नवोदय है, नवोदय केंद्रीय विद्यालय है आलमगढ़ जोंगावटी में। तो मेरा छोटा भाई वहाँ पे पढ़ता है, तो उसी को कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसको चाहिए, ज़रूरत है, तो उसको देने के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग आगे बने रहो। देखो तो जैसे कि गाइस मैं जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि यहाँ पर टोटो वोटो नहीं है। तो ये है रोंगावटी, रोंगावटी है। तो जैसे कि गाइस जो पहाड़ी रास्ता है ऊपर से सटा होता है, ऊपर से उठ के जाएंगे गाइस, ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ की मिट्टी लाल है, इसीलिए शायद इसको सका को रोंगावटी बोला जाता है, इसीलिए शायद इसका नाम रोंगावटी रख दिया। सो गाइस इसका देखिए आप देखो कितना शांत जगह है ना। सो ये हमारे धुबरी डिस्ट्रिक्ट में है रोंगावटी पहाड़। नीचे से व्यू एकदम सुपर्ब है, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है उसके नीचे चार। सो गाइस इस साइड में आप देख सकते हो जो है ना, ये है रोंगावटी कॉलेज, और इसके ऑपोजिट साइड में है धुबरी का केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय है ये है इस साइड में, ये है रोंगावटी कॉलेज धुबरी का कॉलेज, इसके ऑपोजिट है केंद्रीय विद्यालय। सो गाइस यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है नवोदय की तरफ जाता है, तो मैं इसी रास्ते से पैदल जा रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे रास्ता है, टोटो भी है, लेकिन मैं इधर से जाऊँगा, शॉर्टकट रास्ता है ये। और के बीचों बीच लोगों के कुछ घरों से होके होके जाता है। होता तो 15 मिनट लगता, शॉर्टकट से आया इसलिए 5 मिनट लग गया। तो ये देखो गाइस, वो देख रहे हो ये है नवोदय, सामने आप देख सकते हो पहाड़ी ऊपर दिख रहा है ना, वो है नवोदय। व्यू जो है गाइस ऑसम है ना। सामने देखो क्या है, तो गाइस उसको जस्ट ये जाके देना होगा। तो और ये सामने देख सकते हो, तो जैसा कि गाइस पीछे का नजारा देख सकते हो, शो है तो जगह है पीछे का नजारा। एकदम झरना टाइप का गाइस, जैसा कि उस साइड में झरने का पानी है इधर से आता है, यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हो झरने का जो पानी है, देख सकते हो जैसे गिर रहा है पानी, साउंड सुन सकते हो गाइस उस समय।
मौसम है ना। जो साउंड है आप साउंड सुनिए गाइस, साउंड तो साउंड है तो गाइस, दिस इज द नवोदय विद्यालय, धुबरी का जो नवोदय विद्यालय है उसके पहाड़ पे है। देख सकते हो गाइस, उसका व्यू जो है, गेट है ये सामने का, देख सकते हो गाइस। मुझे ऐसे पहाड़ी इलाका और ऐसे इस जैसी जगह पे घर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून लगता है। ऐसी जगह पे अगर घर हो किसी का तो एकदम बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का जो नीचे का झरने का जो पानी है उसी से मतलब खेत में पानी दिया जाता है, उसी में ही आप मतलब धान की खेती कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मशीन पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे का अगर खोदोगे ना तो झरने जैसा पानी निकलेगा, वैसे ही आप दे सकते हो। यहाँ पे कुछ बच्चे देख सकते हो क्या कर सकते हैं सामने। जी बासान बाबू, क्या माछ मार रहे हो? देखी की बात, देखी बच्चा कोई, देखी दे दे पूछो, कहते दे फोटो मारो कोई। क्या क्या मारा है? तो माछ खा दी। टाटा, ओ बोला टाटा। सो गाइस, यहाँ पे और क्या 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 है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आगे बढ़े रहो। और गाइस, यहाँ पे जो है कब्रस्तान है, तो एक कब्रस्तान है, यहाँ पे कब्रस्तान है गाइस। पर पहाड़ का ऊपर रास्ता, नीचे चारों तरफ लोगों का घर। तो यहाँ से ट्रेन का लाइन है, यहाँ से होके इधर से जाता है, इधर से होके डायरेक्ट अलमगंज, बिलेशिवरा से गुवाहाटी, डायरेक्ट गुवाहाटी। तो गाइस, दिस इज द ईद के प्लेस। तो ईद के टाइम पे यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है। तो ये भी रंगामटी में है, अलग अलग रंगामटी में आप देख सकते हो, यहाँ से बैठने की जगह भी है। ऑसम, नाइस, यहाँ पे सफाई तफाई किया जा रहा है। ऑसम गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जगह में। तक के लिए जय हिंद।